आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मोदी सरकार लाख दावा कर ले सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस तरह से झूठ साबित हो रहा है, इस दावे की कलई खुलती जा रही है। ऐसे वक्त में जबकि महामारी ने और इस संक्रमण ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना मौतें हो रही हैं, चिताएं जलाने को शमशान घाटों में जगह नहीं रह गई है, कब्रिस्तान में दफनाने को जगह नहीं रह गई है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे वक्त भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रही है, हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करने से बाज नहीं आ रही है। वाकया है, साउथ बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या वो वहाँ के कोविड वार रूम में पहुँचे, उनके साथ उनके 3 विधायक भी थे। वहाँ पर अभी हाल ही में 212 लोगों की नियुक्तियाँ हुई थी उस कोविड वार रूम के लिए, जिसमें 17 मुसलमानों की भी नियुक्ति हुई थी। बस उसी को बुनियाद बनाकर मुसलमान कैसे कहीं काम कर सकता है, मुसलमान की नियुक्ति क्यों हो सकती है? वो लोग वहाँ पहुँच गए और बाकायदा तेजस्वी सूर्या के हाथों में लिस्ट थी, उन्होंने नाम बनाम 17 मुसलमानों का नाम गिनाकर पूछा कि इनकी नियुक्ति क्यों की गई। उनके विधायकों ने इंचार्ज से ये भी यहाँ तक पूछ लिया कि इनकी नियुक्ति तो मदरसे में होनी चाहिए थी, कोविड वार रूम में कैसे हो गई। बहरहाल हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा का माहौल है उसे बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की गई। बीजेपी लाख दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो लोग मजहब के नाम पर सियासत करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी खुद नंगी हो रही है। इसने हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति की है, हिंदू कार्ड हमेशा खेला है। राम मंदिर का मामला हो या श्रीराम का नारा हो या राष्ट्र इनके जो सो कॉल्ड राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और अब ये मामला सामने आ गया है कि 17 मुसलमानों की नियुक्ति इनको हजम नहीं हो रही, इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहाँ कोविड वार रूम में पहुँच जाते हैं और हंगामा करते हैं। इस पर एक्शन लेते हुए वहाँ के मशहूर समाजसेवक और क्रिमिनल लॉयर बी बालन ने जाके वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की है कि इन तमाम के खिलाफ आपराधिक मामलों के तहत मामला दर्ज कराना है, केस दायर करना है। और उन्होंने कहा कि अगर डीसी नहीं मानेंगे तो हम हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वहाँ के जो MLA हैं जमीर, उन्होंने भी काफ़ी हंगामा मचाया, मुस्लिम MLA ने काफ़ी हंगामा मचाया और लोगों ने बाकायदा उन 17 लोगों को दोबारा वहाँ पर नियुक्ति उनकी जो बहाल कराई है, जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश की गई थी, निकाल दिया गया था। तो बहरहाल बीजेपी अपने दावे में कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि अभी भी ऐसे माहौल में भी जबकि लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, मुसलमान कई लोगों की जाके वहाँ पर चिताएँ जला रहे हैं, कांदा दे रहे हैं अर्थियों को, ऐसे माहौल में हिंदू मुस्लिम खेलना कहाँ तक सही है, ये तो अब जनता को सोचना चाहिए और उन अंधभक्तों को सोचना चाहिए जो आँख मूंद कर मोदी जी और उनकी जो उनकी सेना है उनके पीछे चले जा रहे हैं। क्या देश का हाल है ये सबके सामने है। देखते रहिए इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं। जन मंसूर अली, ताहिर अली खान, सादिक बाशा, मोहम्मद जैद, अलसाई सईर, उमेर खान, सलमान हुरीफ, जमीर पाशा, जबी उल्ला खान, सैयद हसनैन, सैयद हसशाहिद, शहीद शबास, MD यूनस, सैयद मोइन शाह, सैयद मुएश शाह, अलसाइन, ಮದ್ರಸಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು?